जमुना श्रेष्ठा डिब्रो से रहने वाली हूँ और साथ ही सारने जो पहले क्या करती थी, पहले भी आरजेएम करती थी और उसके बाद शादी हुआ, शादी के बाद भी पार्टनर बनाया तो आरजेएम वही उनको हैंड ओवर कर दिए क्योंकि मैं हाउसवाइफ हो गई थी उस टाइम, मैं समय नहीं दे पा रही थी। और साथ ही जब सर को हैंड ओवर कर दिए, सबसे पहला सर ने जो चार पॉइंट बोला, अलग सा मैसेज नहीं है, यही चार पॉइंट से बोलना चाहती हूँ, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। मैंने पहला डिसीजन लिया 2008 को, ठीक है, मैंने डिसीजन लिया 2008 को आरसीएम को अपनाने का, विश्वास था आरसीएम से ही कुछ करने का। फिर क्या हुआ, धैर्य रखा भी होगा, शादी हुई तो थोड़ा सा निराशा तो हो जाता है, थोड़ा हाउस में फंस गई थी, है ना, साथ अपना जिंदगी में फंस गई थी, फिर भी विश्वास था और क्योंकि लक्ष्य मेरा पूरा निर्धारित था, क्योंकि जिस दिन मैंने साइन किया, जिस दिन मैंने वो कीट लाई घर पे, उसी दिन से मेरा विजन क्लियर था कि मुझे आरसीएम से ही कुछ करना है। किसी भिलवाड़ा को नहीं, किसी अपलाइन को नहीं, मैंने खुद से डिसीजन लिया, खुद से पूरा पूरा मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे कुछ करना है तो ही आरसीएम से करना है। और आज के डेट पे ही मैं अपने साथ साथ मेरे हर महिलाओं को जगा रही हूँ, जैसे कि हम नारी सब पे भारी, यस या नो, यही काम पर लगी हूँ। फर्स्ट इनकम बोला जाए तो मेरा 2450 मेरा फर्स्ट इनकम था, क्योंकि उस समय में हमारा बजाज एलियंस का इंश्योरेंस चल रहा था, ठीक है, उस समय मेरा इंश्योरेंस करने का वजह से 2450 मेरा एक फर्स्ट इनकम था। अभी बोला जाए तो हमारा 70 ऑफ हो चुका है और साथ ही मुझे खुशी लगता है कि अब मेरा मैंने 70,000 आओ या 80,000 आओ या लाख रुपया आ जाओ, फिर भी मुझे खुश है, हर महीना 6 से 7 लाख 8 लाख मेरा पूरा परिवार में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यही सपना को लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ और साथ ही थैंक यू, मेरा यही मेरा जय हरसिंह। नाम मुन्ना श्रेष्ठ, जो आप देख रही है मेरा सीनियर पास में ही है और मेरा सीनियर सर, जैसे सर ने बताया नारी शक्ति, तो मेरा सारा सीनियर सर नारी है, शुक्ला मैडम, दीपाली घोष, सब नारी है सर, और इसीलिए पता नहीं बहुत जल्दी सक्सेस भी मिला। और मैडम को शायद तो हाई इनकम पता नहीं है क्योंकि सारा मैं अभी संभालता हूँ, ड्राइवर भी मैं ही हूँ सर, अकाउंटेंट मैं भी हूँ, बिजनेस सारा संभालता हूँ, सिर्फ मैडम को आगे ले जाने के लिए और भी मैं प्रयास करूंगा। और टोटल इनकम अगर का बात करें, टोटल नहीं हाईस्ट इनकम तो 93,000 आया था, हाईस्ट इनकम तो ऐसे अभी तो मैडम ने बताया कंटिन्यू जो आ रहा है वो तो चिल्लर है और बहुत बड़ा कुछ करना है, क्योंकि हम दोनों इतना पॉजिटिव है, जैसे सर ने बताया घर में जाने के बाद हम लोग हमेशा आधा घंटा आरसीएम के बारे में बात करते हैं, कल क्या करेंगे, भविष्य में क्या करेंगे, तो सबको करना चाहिए। मेरा 2 बच्चे हैं हम लोगों का, लड़का भी 11 साल का, वो भी बहुत पॉजिटिव है। मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहूँगा, एक बायजूस वाले आए थे मेरे घर में, बायजूस क्लास के, तो उन्होंने मेरा बच्चा को मेरे सामने बैठाया और पूछा आपका नाम क्या है, बोला जय श्रेष्ठ, तो हमने भी नाम रख दिया सर जय आरसीएम, तो जय रख दिया उनका नाम सर, तो जय नाम बोला तो सर उनका, मेरा बच्चा ने को पूछा तो सर ने, तो बड़ा बन के क्या बनेंगे, बोले पापा जैसा, तो मुझे इतना प्राउड हुआ, बोले क्यों, बोले मेरा पापा टाई पहनते हैं, लैपटॉप लेके घूमते हैं, मीटिंगें करते हैं, इतना सम्मान पाते हैं, तो पापा जैसा, तो ये सबका होना चाहिए, प्राउड फील वहीं से आता। तो थैंक यू जय आरसीएम, और दिल से सभी को कहना चाहूँगा आरसीएम दिल से कीजिए, बस आपका कामयाबी आ जाएगा, थैंक यू जी आरसीएम सभी को।